नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वांचल परिवेश। दोस्तों, आज का विषय है डिजिटल करेंसी, जो 1 दिसंबर 2022 यानी आज से फुटकर के तौर पे या कहते हैं कि CBDCR के तौर पे लागू किया गया है। तो यह डिजिटल करेंसी आखिर है क्या? डिजिटल करेंसी से आम पब्लिक को क्या फ़ायदा है या फिर सरकार को इससे क्या प्रॉफिट है, जो डिजिटल करेंसी लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इन सभी विषयों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। और एक हम लोग इस विषय को भी रखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी से कितना मिलता जुलता है डिजिटल करेंसी। दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, बिना देर करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि डिजिटल करेंसी क्या है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। डिजिटल करेंसी या ई रूपी, दोस्तों रुपए का ही एक डिजिटल प्रारूप जिसे डिजिटल करेंसी के नाम से जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे CBDC कहा गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। CBDC यानी कि डिजिटल करेंसी पूरी तरीके से वैध मुद्रा है जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये चूंकि नया नहीं है, इसके तौर पे बहुत सारे करेंसी हमारे आसपास के देशों में देखने को मिला, सुनने को मिला। सबसे पहले चाइना ने CBDC पर आधारित डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था 2020 में, लेकिन चाइना में भी एक ट्रायल के तौर पे ही लॉन्च किया गया। इंडिया में 1 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया था CBDCW के नाम से, जो कि केवल बैंकों के लिए था, किसी भी संगठन या फिर बैंक के लिए था, आम पब्लिक के प्रयोग के लिए नहीं था, जो लगभग 1 महीने से ट्रायल में चल रहा था, जिसे पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया गया। CBDCW पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसे लॉन्च किया गया था 1 नवंबर 2020 को। लगभग 1 महीने पूरे होने के बाद दोस्तों डिजिटल करेंसी को यानी CBDCR जो कि रिटेलर के लिए अवेलेबल होगा, यह लॉन्च किया गया आज के दिन यानी 1 दिसंबर 2022 को। दोस्तों, ये डिजिटल करेंसी जो है यह बिल्कुल नोट जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम पेपर नोट कहते हैं, डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी उस पेपर नोट के बराबर ही होगी, बशर्ते सिर्फ दोनों का प्रारूप अलग अलग है। एक पेपर फॉर्म में होगा और एक डिजिटल फॉर्म में होगा, बस इतना ही अंतर है पेपर नोट और डिजिटल करेंसी में। दोस्तों, डिजिटल करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करेगी। अब बात यहाँ ये आती है कि डिजिटल करेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो आजकल के समय में जो पेमेंट्स हो रहे हैं, जो कि अलग अलग UPI के माध्यम से, अलग अलग तकनीक के माध्यम से जो पेमेंट हो रहे हैं, उस पर बैंक मॉनिटर करती है और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, किसी भी व्यक्ति के पास डायरेक्टली किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र नहीं होता है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, किसी एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है, डायरेक्टली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जबकि उसके पास अकाउंट हो या नहीं हो। अकाउंट हो तो भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अकाउंट ना हो तो भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये जो डिजिटल करेंसी है, ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। इसे लॉन्च करने का मकसद सरकार का यही है कि हम काले धन पर अंकुश लगा सकें और हम उस पर मॉनिटरिंग कर सके कि ये जो मनी है वो कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ कहाँ फैल रही है। इस पर हम लोग मॉनिटरिंग कर सके कि ये जो मुद्रा है हमारे देश की, क्या इससे कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कार्य तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आतंकवादी संगठन में इसको शामिल तो नहीं किया जा रहा है। ब्लॉकचेन पे आधारित है, जिससे कि जिस पे RBI अपनी पूरी तरीके से नज़र रखेगी, देखेगी, जबकि पेपर नोट पे पूरी तरीके से नज़र रख पाना RBI के लिए संभव नहीं था। अब ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग
कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से कितना मिलता जुलता है। तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के आधार पर ही कुछ उससे मिलता जुलता ही यह डिजिटल करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में इतना फर्क है कि हमारे यहाँ जो डिजिटल करेंसी आज के दिन से लागू किया गया है वह डिजिटल करेंसी सरकार के द्वारा मॉनिटर की जाती है। आरबीआई यानी कि किसी भी देश के एक रिजर्व बैंक के द्वारा मॉनिटर की जा रही है, जबकि क्रिप्टो करेंसी जो है किसी भी देश की सरकार के द्वारा मॉनिटर नहीं की जाती है और ना ही किसी देश के रिजर्व बैंक के द्वारा मॉनिटर की जाती है। अर्थात ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ही निजी संगठन के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो ये प्रश्न भी कुछ लोगों के मन में उठ रहा होगा कि डिजिटल करेंसी से नुकसान भी है क्या? तो दोस्तों डिजिटल करेंसी से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हर दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसके केवल फायदे ही फायदे हों, नुकसान भी बिल्कुल हो सकते हैं। किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं मैं आपके सामने रखने का कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि अपने देश के लोगों को, अपने देश के नागरिक को डिजिटलाइज करें। देश के नागरिक जब डिजिटल होंगे उसके बाद किसी भी डिजिटल प्रारूप को एक्सेप्ट करने में सहजता होगी। दोस्तों जब देश के नागरिक ही डिजिटल नहीं होंगे तो उस समय में, ऐसे दौर में अगर हम किसी चीज़ को, किसी डिजिटल प्रारूप को, किसी डिजिटल माध्यम को लॉन्च करते हैं तो उसका लाभ पूरी तरीके से लोग उठा नहीं पाएंगे, जहाँ पे लोगों के अंदर जानकारी का अभाव होगा और जानकारी के अभाव में किसी भी डिजिटल माध्यम का मिसयूज हो सकता है। ये डिजिटल मुद्रा CBDCR आज के दिन से लॉन्च हुआ है और CBDCR जो है आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, जबकि यह पूरे देश में एक ही बार लॉन्च नहीं किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट को आसान भाषा में हम कहें तो ट्रायल में अभी रखा गया है। इसको ट्रायल के तौर पे सिर्फ 4 शहरों में अभी लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आम पब्लिक उससे खरीदारी कर सकेंगे। किसी भी सामान की खरीदारी यदि करना हो तो डिजिटल रूपी से या फिर डिजिटल करेंसी से खरीदारी कर सकेंगे। अब यह ट्रायल समाप्त होने के बाद से, पायलट प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद से पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा, पूरे देश में धीरे धीरे इसको लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आम पब्लिक तक पहुँचने में अभी कितना समय लगेगा ये हम आप पर छोड़ते हैं, और आप हमें अपना सुझाव पूर्वांचल परिवेश के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।